हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं मेरा एंथूरियम, ये कैसा हो गया है। आज मैं ऊपर से लेके आई थी और ये इस तरह की मिट्टी में लगा था। वैसे इसमें मैंने मिक्स तो कर दी थी, मगर रेड सॉइल इसमें ज़्यादा थी तो इस वजह से शायद में ये फंगल इन्फेक्शन हो गया इसमें एंथूरियम में। देखिए कैसी मिट्टी है ये, मिट्टी मिलाने के बाद भी इसमें अजीब सी हो रही है। देखिए कई दिनों से पानी नहीं डाला फिर भी इस टाइप का हो रहा है। और एंथूरियम को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, एंथूरियम क्या किसी को भी नहीं चाहिए। तो अब मैं इसमें ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें फंगिसाइड मैंने डाला है और जो इसकी जड़ें बिल्कुल ख़राब हैं वो निकाल रही हूँ और इसके जो पत्ते इस तरह के हो गए हैं वो सब निकाल दे रही हूँ। आई होप ये सर्वाइव कर जाए। इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, बस थोड़ा सा ही बचा है। मुझे बहुत फेवरेट लगता है ये एंथूरियम। मैं दो प्लांट लेके आई थी, दो के दो ख़राब हो गए। और इतनी दूर से लेके आओ, बरेली से लेके आई थी और महंगे ही मिलते हैं एंथूरियम, तो ये ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं रिपोर्ट कर दूँ क्योंकि बारिश होने लगी, तो मैंने सोचा चलो इसे निकाल दूँ। बड़े बड़े प्लांट के नीचे रखा था तो अब इसमें मैं रिपोर्ट कर देती हूँ इस तरह से, क्योंकि इसमें परलाइट भी है। ये मेरे सकलैंड की मिट्टी थी, अगर इसमें चल जाता है तो बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने थोड़ी सी ईंट वगैरह के चूरे निकाल डाले थे, वो निकाल दे रही हूँ मैं इसमें। और क्योंकि ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाएगा फिर, इसका बहुत ज़्यादा पानी रुकता ही नहीं है इसमें, इस मिट्टी में पानी रुकता नहीं है। सकलैंड के लिए मैंने मिट्टी बनाई थी तो सकलैंड के कुछ प्लांट ख़त्म हो गए थे, तो अब इसमें मैं यही लगा देती हूँ। और क्या कर सकती हूँ, मैं बच जाएगा तो अच्छा है। वैसे कोशिश तो यही है कि ये बच ही जाए। और इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड और डाल दूँ मिट्टी में, जिससे कि ये जो भी फंगल की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसे मैं ऊपर नहीं रखूँगी, मेरे यहाँ नीचे रखने की जगह भी नहीं है। बहुत डांट पड़ती है मेरी कि नीचे क्यों रख देती है, विंडो पे क्यों लटका दिए हैं ये प्लांट, तूने ये है वो है। मगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसे बचाने की। देखिए कितनी मैंने पत्थर वगैरह सब डाले हैं इसमें, सकलैंड और कैक्टस की मिट्टी इसी तरह से बनती है। जैसे कि अब ये इसमें खूब अच्छे से मिक्स हो गया है फंगिसाइड। अब इसमें हम डाल करके इसे थोड़ा सा ऐसे निकाल ही दूँ इसकी मिट्टी को। ये फंगिसाइड का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्लांट बहुत डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है अगर मैं ध्यान नहीं देती तो। अब ये छोटा प्लांटर भी हो जाएगा, इसमें मिट्टी भी काफ़ी आती है। जब मैं लेके आई थी तो काफ़ी बड़ा प्लांटर था, ये अच्छा था, हेल्दी था, वहाँ तो ग्रुप में रखे रहते। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े प्लांट के पीछे रख दिया था, और गर्मी और धूप की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन हो ही गया है। अब बारिश भी होने लगी है और दूर से पानी भी डाल देती थी पर देख नहीं पाती थी ठीक से। तो अब इसमें मैं ये ट्रीटमेंट करती हूँ, देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट निकलता है। अपडेट भी मैं दिखा दूँगी इसका। तो ये इसमें परलाइट भी मिला है, कोकोपीट मैंने नहीं मिलाई है क्योंकि सकलैंड के प्लांट मुझे रिपोर्ट करने थे, मगर वो फिर भी ख़त्म ही हो गए, नहीं बच पाए क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ने लगी थी, गर्मी होने लगी थी। एक डेढ़ घंटे की धूप भी आती है, वो भी बहुत तेज़ आती है। तो ये अब रिपोर्टिंग हो गई इसमें। तो अगर आपके इंडोर प्लांट है, मैं अपने कुछ पीस लिली भी नीचे ले आई, पीस लिली मेरे अच्छे से चलते रहते तो ये इस तरह की ब्राउन टिप होने लगती है, तो इसका मतलब फंगल इन्फेक्शन से मर रहे हैं। ये देखिए ये ब्राउन टिप होकर ही ये ख़त्म हुआ है। मैं इसमें पानी फंजीसाइड का ही डालूंगी, ये फंजीसाइड है, ये थोड़ा काम भी मैं निपटा ही रही थी। ये देखिए वो सब काम मैं निपटा रही हूँ। ये मेरे गुलदावती, ये मेरी 4 o'clock वो 9 o'clock वगैरह है, ये सबको मैं पैक कर रही थी, ये काम भी चलते चलते हाथ के हाथ निपटा दिया मैंने। तो आप भी अपने एंथूरियम का इसी तरह से ख्याल रखें और कोशिश कीजिए इस क्राउन पे पानी ना पड़े, इसकी मिट्टी में जाए। देखिए ये मैंने नीचे ही रखी है, इसे मिट्टी में मत दबाइएगा, जैसे हम उसे नहीं दबाते हैं जरबेरा के प्लांट की, ये क्राउन जो होता है वो नहीं दबाते हैं, वैसे इसका ही मत दबाइएगा मिट्टी में। अगर यहाँ से अंकुरण होता है तो बल्ले बल्ले, वरना प्लांट इतना महंगा चला ही गया, क्या कर सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।